एमआरपी के हिसाब से दीजिए ना, 15 में दीजिए, 20 क्यों ले रहा है इसका, जब लेता है कहाँ के लिए, गलत बात है ना। और देखिए इसी में एंजॉय कर रहा है, ऐसा है तो आप खा सकते हैं और अपना पेट भर लो। ये देखिए हम पहली बार खा रहे हैं, हमने कभी पान खाया ही नहीं, बनारसी पान। हाँ तो 20 रुपए लिए ना, और जैसे ही हमने कैमरा ऑन, ये रहा अपना पिज्जा डोमिनोज का। क्या हाल चाल आप सभी की, सो आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 22407 वाराणसी ANVT गरीब रथ में, जो कि वीक में दो दिन चलती है वाराणसी से आनंद विहार टर्मिनल के बीच में, संडे को और थर्सडे को। सो अगर मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूं तो ये जो ट्रेन है ना वाराणसी से शाम 7:30 पे निकलती है और आपको अगले दिन सुबह 9:30 ANVT मतलब आनंद विहार टर्मिनल पहुंचाती है। सो तो लगभग हम लोग इस ट्रेन से 780 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने वाले हैं 7 हॉल्ट के साथ 14 घंटा में। वैसे मैं लगभग 6 महीना बाद आया हूँ वाराणसी जंक्शन, और आप देख सकते हैं कितना बदलाव हो गया है। ये देखिए सामने आप बड़ा सा स्क्रीन देख रहे होंगे, इसमें ना अभी दिख रहा होगा आपको दशाश्वमेध में घाट पे जो गंगा आरती अभी चल रहा है शाम के समय, वो आपको लाइव दिखेगा। वैसे सारा दिन ये जो है ना स्क्रीन लाइव ही रहता है, आपको यहाँ पे बाबा काशी विश्वनाथ का भी दर्शन हो जाएगा, शिवलिंग का हमेशा लाइव दिखाते रहता है। तो मान के चलिए अगर आपके पास टाइम नहीं है या आपकी कनेक्टिंग ट्रेन है तो आप स्टेशन से बाहर निकल के बाबा का दर्शन भी कर सकते हैं और गंगा आरती का भी आनंद यहीं से ले सकते हैं, ये मुझे काफी अच्छा लगा। हाँ जी, तो अब हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे और अपनी जो है वाराणसी गरीब रथ प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे ही आने वाली है, सामने दिख रही है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अराइवल। तो भाई ये रही अपनी कोच G40, तो चले चलते हैं अंदर। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने कोच में और ये है सीट नंबर हम लोग का 76, ये साइड लोअर। ये सब तो ठंडा हो गया होगा बारिश में सब, ये तो गर्म आएगा ना, वो गर्म कोई बात नहीं, मीडियम गर्म है समोसा। अब क्या है ना कि वाराणसी में हो रही है बारिश, वो भी विंटर में, अब देखिए तो उसमें भाई बारिश में गर्मा गर्म आपको ये चाय मिल जाए तो भाई और क्या चाहिए। अगर मैं चाय की टेस्ट की बात करूँ ना भाई, बस यही बोल सकते हैं A1, पूरा अदरक का स्वाद आ रहा है, चाय बहुत बढ़िया है और ऊपर हो रही है बारिश, आप देख ही रहे हैं बारिश में गर्मा गर्म चाय, ऊपर से ठंड का मौसम, मजा आ जाएगा। तो देखिए आज क्या हुआ, आज हम लोग आए थे वाराणसी गरीब रथ को कवर करने के लिए, आज हम लोग को जैसा इन्फॉर्मेशन मिला था कि भाई ये जो गरीब रथ है इसे LHB कोच मिलने वाला है 3rd AC इकोनॉमी का, ठीक है, लेकिन यहाँ आके जब पता चला कि भाई ये पुरानी ICF कोच के साथ चल रही है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, आप जैसे देखिए इधर ऋषि भैया है और यहाँ पे द कंट्री साइड गाय नितिन भैया, इधर अपना हिमांशु और इधर हर्ष, संदीप भैया भी आए थे, मतलब सभी लोग आए थे यही उम्मीद में कि भाई जब बताया गया है कि आज LHB कोच चलेगी लेकिन चला नहीं, तो इस बात का थोड़ा दुख है हम लोग को, लेकिन क्या करें, वैसे बारिश हो रहा है, 2 दिन से लगातार बारिश हो रहा है वाराणसी में, फिर भी हम लोग दिल्ली से भींग के आए, सोचे कंटेंट कवर करेंगे, पहला दिन कवर करने का मजा अलग ही रहता है इस तरह का कंटेंट, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और यहाँ तक तो भाई हिमांशु ने कंटेंट सोच लिया था कि भाई कुछ अलग तरीके से बनाएंगे इस वीडियो को, तो बनारसी पान वगैरह भी भाई लेके बैठे हुए हैं, देखिए बनारसी पान कुछ अलग तरीके से बनारस का पान दिखाएंगे, नई LHB के ट्रेन के साथ चले, LHB कोच के साथ चलेगी अपनी गरीब रथ, कंटेंट सोचे थे कुछ अच्छा, लेकिन वैसा हो नहीं पाया, हम क्या करें, लेकिन कंटेंट तो बनाना था। वैसे भी मैं इस गरीब रथ को इससे पहले कवर नहीं किया था, सोचे भाई चलो लास्ट टाइम इस गरीब रथ को कवर कर लेते हैं और आप लोगों को जर्नी भी दिखा देते हैं। वैसे मैं देख रहा हूँ मतलब कोच का कंडीशन काफी बढ़िया है,
वॉशरूम का भी कंडीशन सही है, अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया इस गरीब रथ को। अब खाने पीने का क्या सीन है थोड़ी देर बाद बताते हैं। तो गाइस तो लगभग 128 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट प्रतापगढ़ जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है PBH। और यहां पर इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग की ट्रेन यहां पहुंची है 25 मिनट डिले। प्रतापगढ़ जो है ये आता है अपने यूपी में, नंबर प्लेटफॉर्म 3। और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना 53 ट्रेन आकर रुकती है। तो चलिए मैं आपको वाराणसी ANVT गरीब रथ के कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में बता दूँ। तो अपनी ये जो गरीब रथ है ना, ये चलती है 16 थर्ड एसी कोच के साथ, तो गरीब रथ वाली कोच के साथ। अगर मैं फेयर की बात करूं तो वाराणसी जंक्शन से ANVT का आनंद विहार टर्मिनल तक का फेयर आपको पड़ेगा वही लगभग 800 रुपया। और हाँ, इसमें पेंट्री कोच नहीं है, साइड पेंट्री है। तो हम लोगों ने अभी जो है ना रात का डिनर ऑर्डर किया है रायबरेली रेलवे स्टेशन से ऑनलाइन। क्या चीज़ पता है आपको? पिज्जा। दो बोतल हमने यहाँ से ये लिया। वैसे भैया और भी पानी बेच रहे हैं, ये 20 का बेच रहे हैं। ये जो पानी है ये 20 का बेच रहे हैं, जबकि रेलवे में सिर्फ ये रेल नीरी अलाउ है, फिर भी ये लोकल पानी बेच रहे हैं। ये 15 का है लेकिन ये 20 में बेच रहे हैं, जबकि अलाउ नहीं है ना। तो आप रेल नीर दीजिए ना। नहीं है हमारे पास, पूरा चेक कर लीजिए ना। तो आप नहीं है तो ये मत रखिए ना। अरे ये मजबूरी में रखना नहीं है, रखिए तो MRP के हिसाब से दीजिए ना। 15 में दीजिए, 20 क्यों ले रहे हैं? गलत बात है ना, गलत बात। तो यहाँ से हमने तो अभी मुझे 20 रुपए की दिया। कौन सा? ये रेल नीर। तो देखिए अभी जो क्या हुआ है, अभी ये रेल नीर जो है ना कैमरा पे अभी मिल रहा है 15 का, लेकिन ये पैसेंजर है अपने, इनको 20 का दिया गया रेल नीर। ट्रेन अपनी निकल चुकी है। तो ये अपने को पैसेंजर हैं, इनसे रेल नीट का लिया जा रहा था। कितना रुपया लिया जा रहा था? 20 रुपया लिया है। 20 रुपया लिया जा रहा था। नॉर्मल जो बोतल थी लोकल, हाँ, उसके 20 रुपया लिए ना रेल नीट दो। हाँ, तो रेल नीट के भी दोनों 20 रुपये। 20 रुपये लिए ना। और जैसे ही हमने कैमरा ऑन किया कि वो भैया बोलने लगे भाई 15 का है, बताइए ये तो गलत है ना। वैसे रेल नीट ही लेना है, दूसरा पानी नहीं लेना। और लेना है कितना? MRP के हिसाब से 15 रुपये से ज्यादा नहीं देना। चलिए कोई बात नहीं, हो गया गलती, कोई बात, लेकिन आगे से ध्यान रखिएगा, ठीक है? ओके। तो प्रतापगढ़ के बाद आपको इस ट्रेन में गर्मा गर्म वेज बिरयानी मिल जाएगा, 80 का पड़ेगा। तो यहाँ से नितिन भाई ने लिया है, कैसा लग रहा भैया? देखने में ऑसम लग रहा है, टेम्पटिंग लग रहा है। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि मतलब खा सकते हैं, वैल्यू फॉर मनी लग रहा है। ओके ओके, और देना है एक एक और आप दे दो। पैसे वाओ, ये देखिए भाई, देखने में तो सही लग रहा है। ये हरा मिर्च है, मटर है भाई, वैसे है ये बिल्कुल गर्मा गर्म। और ये हमारे हिमांशु भैया। वैसे कि मैं प्राइसिंग की बात करती हूँ, मुझे पूरा 80 का, और 80 के हिसाब से भाई ये वेज बिरयानी या वेज पुलाव का ये सही है यार, गर्मा गर्म है, सही है। सलाम नमस्ते। ऐसा है कि आप खा सकते हैं और अपना पेट भर सकते हैं। अरे भी बोलो। तो लगभग 163 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट अमेठी, जिसका स्टेशन कोड है AME। और यहां पर इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग की ट्रेन यहां पहुंची है 25 मिनट डिले। और अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने जो अभी साइड पेंट्री से वेज पुलाव या वेज बिरयानी जो भी कर लीजिए खाए थे भाई, एक नंबर था। उसमें पता है सोयाबीन वगैरह भी डाला गया था। तो भाई इस ट्रेन में आप देख लीजिएगा, प्रतापगढ़ के बाद अगर आप चाहे तो डिनर कर सकते हैं, ये भैया आपको मिल जाएंगे वेज बिरयानी लेके, मिलेंगे आपको कोच में। तो आप इससे आप ऑर्डर कर सकते हैं खाना भाई, मतलब जो बिरयानी था ना वेज बिरयानी खाने लायक था। तो चलिए ट्रेन का हॉकिंग हो चुका है, मिलते हैं आपसे अगले रेलवे स्टेशन पे। भाई अभी टाइम हो रहा है रात के 10:50, तो हम लोग जो है अभी एक गेम खेलने वाले हैं, लूडो खेल रहे हैं। आप देख सकते हैं चार लोग वहाँ गेम खेल रहे हैं, जिसमें हिमांशु है, द कंट्री साइड गाय हर्ष है,
और जर्नी भी थे के। अभी लूडो चल रहा है जिसमें से ऐसा सीन है कि जो ग्रुप बना हुआ है ये दोनों का ग्रुप है, वो दोनों का ग्रुप है, मतलब ये दोनों का ग्रुप है और ये दोनों, मतलब दो ग्रुप खेल रहे हैं। इसमें से जो ग्रुप हारेगा वो दो बंदा बाहर निकलेगा, उसके बाद हम दोनों बैठे हुए हैं, ऋषि भैया हम बैठे हुए हैं और हम लोग फिर ज्वाइन करेंगे, और जो हारेगा उसे गाना पर डांस करना पड़ेगा, वो भी ट्रेन में नहीं तो स्टेशन पे। तो अभी गेम चालू है, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। बैड चीटिंग, कोई चक्कर नहीं आने जैसा। कौन है ये? हेलो, भाई लगभग 225 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट, राय बरेली जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है RBL, और यहां पर इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग की ट्रेन यहां पहुंची है 10 मिनट डिले। राय बरेली जो है ये आता है अपने यूपी में, नंबर प्लेटफॉर्म 6। वैसे इस स्टेशन को ओपन किया गया था इन द ईयर 1898 और इलेक्ट्रीफाइड किया गया था 2018 में, और अभी फिलहाल यहाँ 55 ट्रेन आकर रुकती है और हम लोगों ने जो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था वो राय बरेली में ही डिलीवर होने वाला है। भैया आ गए, आपको मैं दिखाता हूँ, संभालो इसको। तो भाई ये रहा अपना पिज़्ज़ा डोमिनोज का। तो हम लोगों ने 3 पिज़्ज़ा मंगवाया था, तो ये दोनों जो आप पिज़्ज़ा देख रहे हैं ये है पनीर ओनियन पिज़्ज़ा और साथ में ये है गोल्डन कॉर्न पिज़्ज़ा। तो 3 पिज़्ज़ा है और हम लोग हैं 2, 2, 4, 5, 6 लोग हैं, तो दो टुकड़ा खाएंगे आराम से, इंजॉय करेंगे। सही है, और टाइम आप देख लीजिए कितना बज रहा है भाई, 11:20। अभी हमने लिया है गोल्डन कॉर्न पिज़्ज़ा का एक टुकड़ा और भाई बिल्कुल गर्मा गर्म है भाई, रात में लगभग 11:30 डोमिनोज वाले पिज्जा डिलीवर कर रहे हैं, क्या चाहिए। वैसे मैं ट्रेन में फर्स्ट टाइम पिज्जा खा रहा हूँ। कैसा लग रहा है भाई पिज्जा? बढ़िया। नितिन भैया, हर्ष बवाल, ऋषि भैया, ऋषि भैया कैसा लग रहा? बढ़िया। कैसा लग रहा भाई? एक अच्छा ठीक है, फोटो एक ले लेते हैं। ओके, तो भाई पिज्जा खाने के बाद देखिए फिर से गेम चालू हो गया है और अब क्या लग रहा है भाई, कौन जीत रहा है? जीत गए बस, एक चाहिए बस, जीत गए। तो हिमांशु के टीम में हर्ष है और अक्षय और नितिन भैया एक टीम में है। नियम ये है कि जो भाई हारेगा वो स्टेशन पे या ट्रेन में डांस करेगा। तो भाई तो हिमांशु हर्ष जीत गया, नितिन भैया मतलब द कंट्री साइड गाय और जर्नी भी थे के ये हार चुके हैं। और देखिए भैया एंजॉय कर रहा है। चलो अब जो दो लोग हारे हैं वो दोनों डांस करेंगे इसी गाना पे, इसी गाना पे, पंजाबी पे। चलिए ठीक है, तो स्टेशन आने वाला है, स्टेशन पे डांस करना होगा। चलिए वो वीडियो नहीं बनेगा, वो हम लोग अपना कैमरा रखेंगे, आप लोगों को डांस करना है। बिल्कुल हाँ, तुम लोग पे कैमरा चार देखो घेर के। अब ये बताओ मानसी भाई किस गाने में नाचना है, किस गाने में डांस करना है? नहीं नहीं नहीं, चैंपियन हम लोग हैं। चलो देखो, बताओ मैं देखो, अगर मैं तो मैक्स हो जाए ना। अच्छा सुनो, तुमने किसको हराया, इनको हराया?
तो ये लोग तो अच्छे ही हारे हुए, तुम घर आते हैं तो तुम लोग चैंपियन हम मनु ही ना हुए चारों। तुम समय आइए ना यार, नहीं कहा हारे नहीं खेलते मेरी गास नहीं। अच्छा नहीं नहीं, दिल्ली में कहावत लाल किले में आपको चार लोग को नचवाने हैं मुझे, ये मेरा पंजाबी है कहावत है, पहला कोल बेईमाना दा दूजा पहलवाना। सही गल है, ठीक है। सो गाइस, तो अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का पांचवा हॉल्ट लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है LKO, और यहां पे इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है, और हम लोग की ट्रेन जो है यहां पहुंची है 10 मिनट बिफोर। यहां पे इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम था रात के 1 बजे और हम लोग की ट्रेन पहुंची है 12:50 में, मतलब 20 मिनट ट्रेन यहां रुकेगी। 10 मिनट का हॉल्ट था, 10 मिनट पहले पहुंची तो 20 मिनट यहां रुकेगी। तो शर्त के हिसाब से अभी हम लोगों ने जो गेम खेला लूडो गेम, 6 लोगों ने, तो 6 लोगों में 2 लोग जीते हम और इसी भैया, 4 लोग हारे। तो जो भी हारे हैं तो शर्त के मुताबिक उन्हें करना होगा डांस, या तो लखनऊ रेलवे स्टेशन पे, नहीं तो न्यू दिल्ली रेलवे ANVT रेलवे स्टेशन पे। तो भाई वो लोग बोल रहे हैं कि भाई यहीं पे डांस कर लेते हैं, रात के बज रहा है 1, तो चलिए उन लोगों का डांस पहले दिखाते हैं। तो म्यूजिक बज रहा है, रेडी 1 2 3 कमान। कैसा लगा हार के भाई? तो अभी हम लोग जो है जा रहे हैं गर्मा गर्म, देख रहे हैं यहाँ कॉफी या चाय मिल जाए। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे वैसे अपनी गाड़ी आके रुकी है, और हर्ष वहाँ अपना लगेज वगैरह देख रहा है, तो चलिए चलते हैं। अब हो रहा है भाई, टाइम देख लीजिए 12:55, देख आते हैं ना लोकोमोटिव। फिर उसका ठंडा हो जाएगा ना कॉफी, तो पीते हुए चलते हैं ना, पीते हुए चलते हैं। हर्ष का आटा ही ले लेते हैं रोड के। हाँ हर्ष का ले लो, 1-5 ले लेना अभी एक बार। तो भाई अपना गर्मा गर्म कॉफी आ चुका है, तो चलिए। वैसे आप देख सकते हैं बाग एक्सप्रेस का डिपार्चर हावड़ा काठगोदाम, तो चलिए ट्राई करते हैं कॉफी और बताते हैं आपको कैसा है। भाई कॉफी सही है यार, सही है। मुझे कैसा लगा कॉफी यार? कॉफी ठीक है, एवरेज है, मतलब इतना ज्यादा कोई टेस्ट नहीं है। द कंट्री साइड गाय भैया कैसा लगा? बढ़िया है, बढ़िया है ना, हमको भी सही लगा, सही है। रात को जाग, अब रात को जागना है, सोएगा। कैसा लगा कॉफी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, 1 बजे रात को कॉफी पी रहे हैं, सही है ना? एक सही है, बढ़िया यार। देखो बाकी रात में 1 बजे कॉफी मिल जाए, चाय मिल जाए, क्या सही है। चलिए सही है, कॉफी पीते हैं और चलते चलते हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म के एकदम लास्ट छोर पे, मतलब स्टार्टिंग वाले छोर पे। वहाँ आपको लोकोमोटिव दिखाते हैं वाराणसी गरीब रथ में कौन सा लोकोमोटिव लगा हुआ है। तो भाई आप देख सकते हैं अपने गरीब रथ में लोकोमोटिव है गाजियाबाद का WAP5 लोकोमोटिव। क्या हो गया? फूल माला लगी हुई है, ट्रेन का किया होगा ओपनिंग। हाँ हाँ हाँ, वही लगा बचा हुआ, और इसमें आप देख सकते हैं इसमें फूल माला लगा हुआ है। अभी रात के बज रहे हैं 1:25, तो अब सोते हैं और आपसे मिलते हैं सुबह में। वैसे हम लोग सोच के आए थे कि आप लोग को एक अच्छा कंटेंट देंगे आज, वाराणसी गरीब रथ LHB कोच के साथ चलेगी, इसी उम्मीद से हम लोग आए थे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। फिर भी हम लोगों ने कोशिश किया है आप लोगों को अच्छे तरीके से इंटरटेन करने का, एक अच्छा कंटेंट देने का। सबका मन यहाँ पे ना, मतलब पूछिए ही, मतलब सब मायूस हो गए थे कि भाई जिस चीज़ के लिए आए वो काम तो हुआ ही नहीं, रिसीव है तो कंटेंट ही नहीं बनाया। फिर भी हम लोगों ने साथ में जर्नी किया, साथ में हम लोग एंजॉय किए, खाए, लूडो गेम खेले, डांस किए, हर चीज़ किया, आप लोग को देखने को मिला होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको शायद ये कंटेंट पसंद आया होगा। वैसे जर्नी कंटिन्यू ही कर रहे हैं, ब्लॉग यहाँ लास्ट नहीं कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे सुबह में, तब तक के लिए गुड नाइट, सलाम नमस्ते।
ब्लॉग लास्ट नहीं हो रहा है, गुड नाइट बोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अब हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है हापुर जंक्शन और आज की सुबह की शुरुआत हो रही है ये गर्मा गर्म कॉफी के साथ। हापुर वाला गर्म कॉफी, मैं सो रहा था लेकिन सभी उठ चुके हैं। ऋषि भैया ठीक है, कॉफी नहीं लीजिएगा? नहीं हो गया, तो चलिए कॉफी ट्राई करते हैं। सो गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन और ट्रेन जो है हम लोग को पहुंचाई है लगभग आधा घंटा डिले। अगर मैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूं तो जर्नी एक्सपीरियंस मिला जुला कर एवरेज था। वैसे जो हम सोच के आए थे हम लोग कि भैया आज हम लोग अपने वाराणसी गरीब रथ को LHB के साथ देखेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर भी अपने लोग मिल गए थे तो कैसे जर्नी कट गया पता ही नहीं चला। वैसे जब ट्रेन जब अपनी आई ना वाराणसी में, जब देखे ना भाई वही पुरानी कोच है ICF वाली, देख कर तो भाई इतना दिमाग ख़राब हुआ ना, क्योंकि बारिश में दिल्ली से भींग के वहाँ गए, सोचे कंटेंट कवर करेंगे आप लोग के लिए एकदम फ्रेश टू फ्रेश, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोई नहीं, लेकिन अपने लोग मिल गए थे तो जर्नी कैसे कट गया पता ही नहीं चला। वैसे आपको कंटेंट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले जर्नी में, देखेंगे अब जब भी ICF कोच से LHB जब होगा अपनी गरीब रथ, तो फिर से कवर किया जाएगा इसको। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे मुस्कुराते रहे और लगातार इसी तरह अपने भाई के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, टिल देन पीस बाय। और हाँ यार, करते हैं आपसे, लव यू।